हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बावर्चीज़। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ बहुत ज़्यादा मज़ेदार रेसिपी, बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। घर में अगर कोई आपने छोटी मोटी पार्टी रखी हुई है या फिर घर में गेस्ट आए हुए हैं तो आप ये वाली रेसिपी बना करके ज़रूर खिलाइएगा, सच में सब बहुत ज़्यादा तारीफ करेंगे। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर एक पैन में 2 गिलास पानी लिया है। पानी गर्म हो जाने पर मैंने इसमें ऐड किया है 200 ग्राम पालक और गैस के फ्लेम को मैंने हाई किया हुआ है। इसी के बाद मैं यहाँ पर एक कटोरी एकदम फ्रेश मटर ऐड करूँगी। तो आप चाहें तो दोनों चीज़ों को अलग अलग उबाल लें या फिर एक ही साथ उबाल सकते हैं। तो ये देखिए, एक कटोरी मैंने यहाँ पर फ्रेश मटर ऐड की है और इनको हमें 3 से 4 मिनट उबाल लेना है हाई फ्लेम पर। तो मैं इसको ढक दूँगी और इसको 3 से 4 मिनट के लिए उबाल लूँगी। तो जो वीगन लोग होते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार रेसिपी है, वो भी इस वाली रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, सच में बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और इसको सर्व करें हरी चटनी या लाल चटनी या फिर चाय के साथ, सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में, ज़रूर ट्राई करें। तो ये देखिए, यहाँ पर ये उबल चुके हैं, मैंने इनको छान लिया मटर और पालक को और इसको एक प्लेट में निकाल दिया है मैंने, और इसको प्लेट में अच्छे से फैला लेना है। इसी के बाद मैंने यहाँ पर 4 हरी मिर्च को काट करके डाल दिया और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, उसको अच्छे से छील करके मैंने धुल लिया है, इसको भी बारीक काट दिया और ठंडा होने के लिए पंखे के नीचे रख दिया है। और यहाँ पर मैंने लिए हैं छोटे छोटे 6 से 7 आलू और इनको हमें बारीक मैश कर लेना है। ये देखिए, पालक और मटर ठंडा हो गया था तो मैंने इसको पीस के इसका एक पेस्ट तैयार कर लिया है और पेस्ट को हम एक बाउल में निकाल लेंगे। इसी के बाद हम मैश किए हुए आलू को भी इसी में डाल देंगे और थोड़े से हम यहाँ पर मसाले ऐड कर लेंगे, 1/2 चम्मच चाट मसाला, स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच जीरा और इसी के बाद थोड़ा सा लाल मिर्च ऐड किया है मैंने और एकदम थोड़ा सा धनिया पाउडर ऐड किया है क्योंकि हमने हरी मिर्च भी डाला था यहाँ पर। तो ये देखिए, मैंने 85 ml के कप से, ये 85 ml का कप है, इसी कप से मैंने यहाँ पर 1 कप बेसन को भून लिया था और इसको मैंने यहाँ पर 2 बार में ऐड किया है, मतलब थोड़ा थोड़ा करके कि अगर ज़रूरत लगी तो मैंने फिर से सारा ऐड कर लिया। तो ये देखिए, एकदम आटे की तरह हो जाएगा ये, जैसे हम आटा गूंथ लेते हैं और फिर बाद में हम इसकी इस तरीके से टिक्कियाँ बना लेंगे। तो ये देखिए, सारी टिक्कियों को इसी तरीके से तैयार कर लिया है मैंने और यहाँ पर पैन को रखा, गरम कर लिया है और इसमें मैंने डाला है सोयाबीन ऑयल, आप चाहे तो घी में भी सेक सकते हैं, और इनको हमें शैलो फ्राई कर लेना है। तो इसी तरीके से एक एक करके हम रखेंगे और फ्लेम को मैंने अभी रखा हुआ है हाई और इसके बाद मैंने 2 मिनट के बाद मैंने फ्लेम को कर दिया है मीडियम, क्योंकि मीडियम फ्लेम पे अच्छे से इनको सेक लेना है हमें। और ऊपर से एक एक काजू लगा दिया है, इससे क्या है ना, ये खूबसूरत भी लगेंगे देखने में। तो ये देखिए, एक तरफ से अच्छे से सिक चुके हैं और सिक जाने के बाद हम इनको इस तरीके से पलट देंगे। तो हमें क्या करना है ना, इनको जो है अलट पलट के गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेना है, एकदम क्रिस्पी होने तक। तो देखिए, यहाँ पर बीच में जगह थी तो मैंने एक कबाब और बना करके बीच में रख दिया और ये देखिए, काजू वाली साइड से भी अच्छे से सिक चुके थे और मैंने इनको फिर से एक बार पलट दिया जिससे इधर से भी और अच्छे से सिक जाएं। तो ये देखिए, कबाब एकदम अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं। इसी के बाद सारे कबाब को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और पालक मटर को पीसते समय ध्यान रखें कि उसमें पानी ज़्यादा ना हो, अगर पानी ज़्यादा है तो आप उसका पानी निकाल दें। तो ये देखिए, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी कबाब बहुत ही कम समय में बन करके तैयार है, आप भी ज़रूर ट्राई करें, आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।